नमस्ते दोस्तों, मैं नेहा अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में मार्च के महीने में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक पूरी देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एकादशी का महत्व, एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त और पारणा का समय के बारे में पूरी जानकारी दूंगी। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और अर्चना की जाती है। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन हमें भगवान विष्णु की विधि विधान पूजा करनी चाहिए। अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के व्रत की तिथि बताने जा रही हूँ। पाप मोचनी एकादशी का व्रत 18 मार्च 2023 को रखा जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ 17 मार्च 2023 को दोपहर 2:06 से होगी। वहीं एकादशी तिथि का समापन 18 मार्च को सुबह 11:07 तक रहेगा। एकादशी व्रत के पारणा का समय 19 मार्च 2023 को 6:27 से 8:07 तक रहेगा। दोस्तों, अब मैं आपको इस वीडियो में एकादशी का महत्व, एकादशी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देने जा रही हूँ। एकादशी को एक दिन के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व माना जाता है। यह दिन हिंदू महीने में होने वाले चंद्र चरण के 11वें दिन को कहा जाता है। चंद्र चरण दो प्रकार के होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। यह दिन हिंदू कैलेंडर के अनुसार साल में 24 बार आते हैं। कभी कभी इसके अतिरिक्त दो एकादशियां होती हैं जो कि लीप वर्ष में आती हैं। प्रत्येक एकादशी में विशेष प्रकार के लाभ और आशीर्वाद की प्राप्ति की जाती है। भगवत पुराण में भी एकादशी के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को आध्यात्मिक दिन माना गया है। इस दिन महिलाओं और पुरुषों द्वारा व्रत किया जाता है। निर्जला एकादशी के दिन ना ही कुछ खाया जाता है, ना ही कुछ पिया जाता है। इस दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है और तुलसी को तोड़ना भी वर्जित माना जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको पाप मोचनी एकादशी के व्रत की विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। एकादशी व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान इत्यादि से निर्वृत हो जाना चाहिए। इसके बाद घर के ही मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, अगर संभव हो तो इस दिन व्रत करें, भगवान की आरती करें और प्रसाद का भोग लगाएं। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि आप जो भोग बना रहे हैं वो सात्विक तरीके से बनाएं। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु के भोग में तुलसी अर्पित जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बिना तुलसी के भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन इस दिन तुलसी को तोड़ना वर्जित माना जाता है, इसलिए आप भोग के लिए तुलसी को पहले ही तोड़ के अपने पास रख लें। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा अर्चना करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान करें। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। राधे राधे।